एडमिशन के बाद पहले सेमेस्टर में ही अपने बेसिक बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के बारे में अब तक पूरी जानकारी ली होगी। तो चलिए अब टाइम है एमसीक्यू 5 के उत्तर लिखने का। इस बार मैंने हर एक एमसीक्यू प्रश्न से जुड़ा हुआ एक टेबल वाला प्रश्न भी तैयार किया है जो आपको इंटरव्यूज के लिए भी काम आएगा, और इसके उत्तर मैंने आपको एमसीक्यू के उत्तरों के साथ मिल जाएंगे। देखिए टेबल वाइवा के प्रश्न ऐसे होंगे। एक मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मलिटी क्या होती है? दो, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तीन, लिटमस का पीएच रेंज कितना है? चार, बीयर्स लॉ क्या है? और पाँच, एंजाइम सब्सट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन पहले 3 मिनट पर किस बात पर निर्भर रहता है? छः, पीएच मीटर के ग्लास इलेक्ट्रोड का कॉम्पोजिशन क्या रहता है? सात, इम्यून रिस्पॉन्स किस बात पर डिपेंडेंट रहता है? आठ, सिंटिलेटर काउंटिंग के लिए कौन सा यूज होते हैं? नौ, विच रेडियो एक्टिव मार्कर ज़्यादातर यूज होता है? और दस, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं एलाइजा टेस्ट में? 11, एक करोजिव केमिकल का नाम बताइए। 12, एक टॉक्सिक केमिकल का नाम बताइए। 13, एक एक्सप्लोजिव केमिकल का नाम बताइए। 14, एक फ्लेमेबल केमिकल का नाम बताइए। और 15, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम शामिल है? 16, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर शामिल है? 17, कौन से बॉडी फ्लूइड्स इन्फेक्शस होते हैं? 18, कौन से ग्रुप है टेक्नीशियन के जिनके लिए ऊषा ट्रेनिंग की जरूरत है? 19, स्ट्रॉन्ग एसिड और पानी कैसे मिलाया जाता है? और 20, ग्रेजुएटेड पिपेट्स क्या होते हैं? अब आप ओरल प्रश्न के उत्तर जानिए। प्रश्न एक, दो नॉर्मल, टू नॉर्मल, और प्रश्न दो, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। प्रश्न तीन, 4.5 to 8.3। प्रश्न चार, ओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन। प्रश्न पाँच, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। प्रश्न छः, 0.1 नॉर्मल HCl होता है ग्लास इलेक्ट्रोड में। प्रश्न सात का उत्तर है एंटीजन। आठ का उत्तर है थैलियम आयोडाइड। नौ का उत्तर है रेडियो एक्टिव आयोडीन। और 10 का उत्तर है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फोटेज। प्रश्न 11 का उत्तर है फिनॉल। 12 का उत्तर पोटेशियम साइनाइड। 13, ड्राई पिक्रिक एसिड। 14, ईथर। और 15, 1000 मिलीग्राम्स। 16 का उत्तर है 1000 ml। 17, सभी जो स्पेसिमेन होते हैं वो इन्फेक्शस होते हैं। और 18 का उत्तर है टेक्नीशियंस के ग्रुप 1 and 2। 19 का उत्तर है एसिड इज एडेड टू वाटर स्लोली, पानी में एसिड स्लोली ऐड किया जाता है। और 20 का उत्तर है सीरोलॉजिकल जो पिपेट रहते हैं वो ग्रेजुएटेड होते हैं और अप टू द मार्क होते हैं।